वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी देखने वाले हैं हम लोग, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने ऑर्डर के कौन कौन से एलिमेंट होंगे और इसमें किस किस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अच्छे से जानना चाहिए, तो आप इसको लास्ट तक देखना लेक्चर को, और मैं इसमें PDF से इसको कंटिन्यू करूँगा ताकि कोई भी लाइन हमारा ना छूटे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं तो सारी बातें हमारी कवर हो जाएँ, दैट्स वाई मैं आपको ये PDF से बता रहा हूँ, और ये PDF आपको मिल जाएगा, इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना। राइट, देख लो यहाँ पे अच्छे से समझो। देखो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, सेट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको C से डिनोट करते हैं, और इसमें कैसा होता है, इसमें A प्लस आयोटा B फॉर्म का एलिमेंट होता है। A को रियल पार्ट बोलते हैं, B को इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इस पूरे इस तरह के कलेक्शन को हम लोग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ऐसे इसको कट कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B, जहाँ आपका A और B जो होता है वो कहाँ से होता है, रियल नंबर से होता है। ठीक है, अब देखिए ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, तो उस केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो होगा। ठीक है, और ये अबेलियन होगा नो डाउट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है, अबेलियन होता है, ये अबेलियन प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, अच्छा अब देखोगे ना, जब मल्टीप्लीकेशन में बात करेंगे तो आपको C*, देना पड़ेगा। देखो जनरली जैसे सिर्फ ये क्या होता है, आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें जीरो भी होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको ऐसे कर देते हो ना, स्टार लगा देते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों लेते हैं, इसलिए कि आपको पता है ग्रुप फॉर्म करने के लिए हर एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो का इन्वर्स आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपरली नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको हटा देते हैं, तो हम लोग सिर्फ लेते हैं C*। अब देखो अगर कोई ग्रुप में सिर्फ C ले लेता है तो उसका भी यूजुअली मतलब यही होगा कि वहाँ पे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो C** लेंगे तो ये पूरा पक्का हो जाएगा कि यहाँ पे जीरो नहीं है, तो जीरो को हटा देंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनाएगा, दैट इज़ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, विथ आइडेंटिटी एलिमेंट 1, यहाँ पे E का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर आप मल्टीप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो आपको आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कि आप 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है, आपका अबेलियन है और नॉन साइक्लिक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, अबेलियन है और नॉन साइक्लिक है। ओके, अबेलियन तो आपको दिख गया कि अबेलियन कैसे है, कि चूंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। नॉन साइक्लिक कैसे है, तो देखिए कोई भी, हम लोगों को पता है ना कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, क्या है, कोई इनफाइनाइट सेट है, डेफिनेटली आपका C क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें A प्लस आयोटा B फॉर्म के एलिमेंट होते हैं, A और B दोनों रियल होता है, और रियल का जो कार्डिनलिटी है, ये पूरा मैंने आपको रियल एनालिसिस में पढ़ाया है कि रियल नंबर का जो कार्डिनलिटी है वो क्या होता है, वो होता है अनकाउंटेबल C। ठीक है, यानी इसके पास में इनफाइनाइट अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, डेफिनेटली, और क्या है, और इसका जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, वो है आपका अनकाउंटेबल, ये आपका अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, जबकि आप देखोगे ना कि ये साइक्लिक कब होता, तो कोई भी इनफाइनाइट सेट अगर आइसोमोर्फिक होता है किसके, सेट ऑफ इंटीजर के, तब ये क्या होता है, तब ये साइक्लिक होता है, आपको पता है। ठीक है, तब ये साइक्लिक होगा, और अगर ये आइसोमोर्फिक नहीं है तो ये क्या होता है, आपका नॉन साइक्लिक होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो क्या ये सेट ऑफ इंटीजर के आइसोमोर्फिक है, ये आप कैसे चेक करेंगे, तो आप देखिए कि क्या दोनों का कार्डिनलिटी इक्वल है, सबसे पहले आप यही चेक कर लीजिए। तो हम ये जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर का कार्डिनलिटी कितना होता है जी, तो ये होता है अलिफ नॉट। क्या होता है अलिफ नॉट, ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। ये होता क्या है, ये होता है काउंटेबली इनफाइनाइट होता है ये। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट, समझिएगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर जो है उसमें जो भी एलिमेंट होता है वो इनफाइनाइट तो होता है, बट वो काउंट किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, 1-1 मैप बनाता है नेचुरल नंबर के साथ में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, तो ये सारा चीज़ हम लोग रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। तो अभी आप ये ध्यान दो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कार्डिनलिटी है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, और जो सेट ऑफ इंटीजर का कार्डिनलिटी है वो क्या है, वो काउंटेबल है, है इनफाइनाइट दोनों, बट ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, ये आपका काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो दोनों का कार्डिनलिटी क्या है, बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो दोनों आपस में आइसोमोर्फिक नहीं होगा, आइसोमोर्फिक नहीं होगा इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं हो सकता, सो इट इज़ नॉन साइक्लिक। यही देखिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि सी की कार्डिनलिटी सी है अनकाउंटेबल, जबकि सेट ऑफ इंटीजर का कार्डिनलिटी क्या होता है, अलिफ नॉट होता है। ठीक है, यानी काउंटेबल, इसको हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट बोलते हैं, तो दोनों बराबर नहीं है, यानी दोनों आपस में आइसोमोर्फिक नहीं है। जेड इज़ इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, जो सेट ऑफ इंटीजर है वो क्या है, इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप होता है, एंड एवरी इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमोर्फिक टू जेड,
देयरफॉर सी इज़ नॉट साइक्लिक, ठीक है। तो अगर सी आइसोमॉर्फिक होता तो होता, बट सी तो आइसोमॉर्फिक नहीं है, इसलिए ये क्या है, साइक्लिक नहीं है। तो ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इज़ देयर फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट इन सी स्टार, क्या इसके पास में कुछ फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट भी होगा, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए जेड मेरा क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप इसको समझिएगा ना, ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर ई आयोटा थीटा, राइट, क्लियर है। अच्छा, अब ये देखिए, अगर ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका फाइनाइट ऑर्डर कब होगा, मान लेते हैं इसका फाइनाइट ऑर्डर है एन, ठीक है। ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, किसका, जेड एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है आपका सी स्टार का, ये सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका अगर मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर है एन, फाइनाइट ऑर्डर है, ठीक है, इसका क्या है, इसका मान लेते हैं फाइनाइट ऑर्डर है एन। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर एन है, इसका मतलब क्या होता है कि जेड का पावर एन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, तो ये वन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज जेड एन इक्वल टू वन। अब जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, ये जो आर ई आई थीटा है, ठीक है, इसका पावर एन इक्वल टू वन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से डेफिनेटली आर का वैल्यू वन होगा, क्यों, इसलिए कि सिंस आर इज़ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आप समझिएगा, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है, जेड एन का पावर वन लिया है, ठीक है। तो जेड एन इक्वल टू वन का क्या मतलब हुआ, आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। जेड एन इक्वल टू आपका क्या है, वन है। तो अब देखो, इसका मतलब ये है ना कि जैसे हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो आप इसको कैसे दिखाते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, और ये थीटा एंगल बनाता है। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ठीक है, ये मेरा सपोज करो क्या है, एक्स वाई है। यही पॉइंट जो एक्स वाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई बोलते हैं, ठीक है, आर्गन प्लेन में। और ये आपका थीटा क्या होता है, ये आपका आर्ग्यूमेंट होता है। और ये जो जेड है, ये हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ऑलवेज क्या आपका पॉजिटिव होगा, चूँकि एक लेंथ है, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, यही आपको क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, यानी मॉड जेड बताता है, ठीक है। तो ये कभी भी आपका निगेटिव नहीं हो सकता। तो जो हम लोग आर लेते हैं, आर क्या होता है, आर सिंपली मॉड जेड होता है, ठीक है। तो ये आपका कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये जो वैल्यू है ना, आर एन ई आई एन थीटा, ये वन कब होगा, जब दो चीज़ें होंगी। पहला, आर आपको वन होना चाहिए, चूँकि ये एक मैग्नीट्यूड है, रेडियस है कह सकते हैं, ठीक है। चूँकि एक अगर जेड इक्वल टू वन है, तो ये आपको एक यूनिट जो है रेडियस का सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से मैग्नीट्यूड है, रेडियस है, ठीक है। तो ये आपका कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो आपको आर एक तो वन होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि ई आई एन थीटा, ये आपका वन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट कैसा होता है, तो क्राइटेरिया फिक्स कर लीजिए कि जो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, वो यूनिट रेडियस में लाई करेगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर लाइज ऑन यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल में लाई करेगा, यानी ऐसे सर्कल में लाई करेगा जिसका रेडियस क्या होगा, वन होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ई आई एन थीटा वन होगा। अब यहाँ से अगर मैं यूलर फंक्शन लगा दूँ तो ये क्या होता है, ये होता है कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है, इक्वल टू वन। अब देखिए ये वन कब होगा, यहाँ पे इसको वन प्लस आयोटा जीरो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कॉस एन थीटा वन होना चाहिए, रियल पार्ट को अलग कर दीजिए। और वन का वैल्यू क्या होता है, तो वन का वैल्यू हम लोग जानते हैं, कॉस टू पाई एम होता है, ठीक है, जहाँ एम आम का क्या है, एम मेरा इंटीजर है, ठीक है। तो कॉस टू पाई एम यानी टू पाई मल्टीपल कॉस का वो वन होता है। तो यहाँ से एन थीटा आपका इक्वेट होगा तो क्या आ जाएगा, टू पाई एम आ जाएगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, टू पाई एम बाई एन, ओके, एम बाई एन। अब क्या है, आपका ध्यान दे लो, एम मेरा इंटीजर था, ठीक है, और एन क्या है, एम मेरा इंटीजर है और एन मेरा नेचुरल नंबर है, ध्यान दीजिएगा ना। चूँकि हम लोग देखो ऊपर से बात करते आ रहे हैं, जैसे ही आप फाइनाइट ऑर्डर का बात करते हैं तो ऑर्डर हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो इसलिए एन मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एन मेरा नेचुरल नंबर है और एम मेरा इंटीजर है। तो अगर एम इंटीजर है, एन नेचुरल है, यानी एन आपका नॉन कभी भी जीरो नहीं होगा और निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, एम बाई एन जो है आपका, वो क्या हो गया, वो हमारा एक रेशनल नंबर बन गया, देख सकते हो, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म, पी इंटीजर होता है और नीचे क्यू वाला नेचुरल नंबर होता है, और पी और क्यू का जी सी डी वन होना चाहिए, ठीक है। यही आपका रेशनल नंबर का पहचान है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एम बाई एन आ गया,
वो क्या आ गया, वो आपका आ गया नेचुरल नंबर। यानी थीटा क्या होना चाहिए, तो थीटा मैं कह सकता हूँ कि 2 पाई मल्टीपल, रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए। ये आपका हो गया रेशनल, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया रेशनल। तो रेशनल मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए जी, 2 पाई। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन कि इसमें, चूँकि इसका खुद तो इसका ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है इनफाइनाइट इस ग्रुप का, ठीक है, ये इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। लेकिन इसमें फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट कौन कौन हो सकता है, ठीक है, तो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट के लिए दो क्राइटेरिया आपको याद रखना है। दो क्राइटेरिया कौन कौन, पहला ये कि वो यूनिट रेडियस में लाई करना चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये कि जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो आपका रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया मैच करेगा तभी हम बोलेंगे उस एलिमेंट को कि उस ऑर्डर का एलिमेंट क्या, उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, हेंस सी स्टार, यहाँ पे सी स्टार है, सी स्टार अंडर मल्टीप्लीकेशन हैज़ फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट विच लाई ऑन यूनिट सर्कल, पहला कंडीशन, एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई क्यू, क्यू इज रेशनल, सो रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, राइट। बट देयर बी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है, ये सारी बातें आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। हेंस ऑल द एलिमेंट्स लाइज ऑन यूनिट सर्कल हैज़ नॉट फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग कोई भी यूनिट सर्कल लेंगे ना, तो यूनिट सर्कल अगर हम, जैसे देखिए मैंने ये नीचे में यूनिट सर्कल लिया, ठीक है, यहाँ पे आर इक्वल टू वन है, ओके। तो यूनिट सर्कल में जो भी हम एलिमेंट लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको बोला जा रहा है कि वही एलिमेंट आप सिर्फ लीजिएगा जिसका जो, जहाँ जिसमें जो थीटा बनेगा ना, वो थीटा क्या बनेगा, ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा बनता चला जाएगा, ठीक है। तो जो थीटा बनेगा वो क्या होना चाहिए, रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए। लेकिन दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होता है, बहुत सारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर तो आपका नहीं होगा। तो ओनली दोज एलिमेंट हु लाई ऑन यूनिट सर्कल एंड थीटा इक्वल टू 2 पाई क्यू हैज़ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पूरा जो सर्कमफ्रेंस है ना, इस पूरे सर्कमफ्रेंस में जितना भी एलिमेंट है, सारा एलिमेंट आपका फाइनाइट ऑर्डर का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इरेशनल पॉइंट भी है। तो इरेशनल पॉइंट को छोड़ देंगे, जिसमें सिर्फ रेशनल पॉइंट आएगा, यानी जिसमें सिर्फ रेशनल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, 2 पाई आएगा, ठीक है, वो एलिमेंट और जो यूनिट रेडियस में लाई करेगा वही आपका क्या है, फाइनाइट ऑर्डर का होगा, ठीक है। ये भी क्राइटेरिया आपको याद रखना है कि फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट के लिए दो क्राइटेरिया है, यूनिट रेडियस में लाई करना, और दूसरा जो उसका थीटा है वो क्या है, रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होना चाहिए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका अगर मैं ODT की बात करूं, यानी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल की बात करूं, तो ऑर्डर अभी एलिमेंट का बात करेंगे, फिर सब ग्रुप का बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो, चूंकि आपको पता है कि जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, वो है इसका इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट, अब इसका जो डिवाइज़र है वो क्या क्या होगा, तो एक तो आपका 1 होगा, दूसरा कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा, ठीक है, फाइनाइट n होगा, अब तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। तो हमको तीन तरह का ऑर्डर मिल सकता है, 1, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब देखिए 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो एक ही एलिमेंट होता है 1 ऑर्डर का हमेशा। अच्छा, अब फाइनाइटली इन ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो ये देखो ये इनफाइनाइटली काउंटेबल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्ड मैं दे रहा हूँ ना ये सब आपको याद करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनाइट ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, इनफाइनाइटली काउंटेबल। पहले तो ये देखो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, बट वो काउंटेबल होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो रेशनल नंबर का भी कार्डिनलिटी क्या होता है, अलिफ नॉट होता है, हम पढ़े थे, ठीक है, कि रेशनल नंबर भी हमारा काउंटेबल है। और चूंकि यहाँ पे आपको रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई मिल रहा है, यानी आप रेशनल नंबर को काउंट कर सकते हो, तो आप ये काउंट कर लोगे कि कितना ऐसा एलिमेंट है जिसमें रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा, ठीक है, तो काउंटेबल है। बट चूंकि ये रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर खुद क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो आपको यहाँ पे इनफाइनाइट एलिमेंट ऐसा मिलेगा, लेकिन वो काउंटेबल होगा और लाई करेगा ऑन यूनिट सर्कल, ठीक है। थीटा क्या होना चाहिए, रेशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ये हो गया। अब इनफाइनाइट ऑर्डर का कितना मिलेगा, तो मैंने आपको बताया कि दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइटली क्या होता है, इरेशनल होता है, यानी अगेन आपको इनफाइनाइटली मिलेगा लेकिन अनकाउंटेबल मिलेगा, चूँकि क्यों, इसलिए कि इरेशनल नंबर जो होता है, जो आपका इरेशनल नंबर है, उसका कार्डिनलिटी क्या होता है, उसका कार्डिनलिटी होता है इनफाइनाइट अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल। ये हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर का काउंटेबल होता है, बट इरेशनल नंबर का क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो चूंकि बहुत सारा आपको इरेशनल नंबर मिलेगा बीच में, ठीक है, उसके अलावा भी देखो बाहर के एलिमेंट मिलेंगे जो कि यूनिट रेडियस में लाई नहीं करेगा, उसके अंदर भी मिलेगा, तो ये जो भी आपको दिख रहा है ना, सब डॉट डॉट डॉट, बाहर का एलिमेंट, अंदर का एलिमेंट, ठीक है, फिर दो थीटा के बीच का एलिमेंट, ओके, तो ये सारा क्या होगा, सारा आपको ऐसा एलिमेंट बच गया जिसका
ऑर्डर फाइनाइट नहीं है, यानी ये इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो ऐसे केस में आपको इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल एलिमेंट मिलेंगे जो लाई करेगा ऑन यूनिट सर्कल विथ थीटा इरेशनल मल्टीपल ऑफ 2π, ठीक है, जो दो रेशनल मल्टीपल के बीच में होगा, बहुत सारा इनसाइड लाई करेगा प्लस आउटसाइड यूनिट सर्कल लाई करेगा, ठीक है। सारी बातें यहाँ पे अच्छे से लिख दी गई हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पहले सबसे पहले इसका ओडीटी समझ लो एलिमेंट का, कि इसमें एक ऑर्डर का एक एलिमेंट, फाइनाइट ऑर्डर का काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट और इनफाइनाइट ऑर्डर का अनकाउंटेबल इनफाइनाइट एलिमेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे आप कुछ क्विक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपसे पूछेगा कि क्या ई का पावर आयोटा √3 2π ये जो है फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको आप बिल्कुल क्विकली चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको दिया हुआ है ई का पावर आयोटा √3 2π, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे आर का वैल्यू कुछ नहीं है, तो आर का वैल्यू कुछ नहीं यानी आर आपका 1 है, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्म होता है वो क्या होता है आर ई आयोटा थीटा होता है ना, तो आर का वैल्यू आपका यहाँ पे 1 है, पहला चीज़ तो पास कर गया। थीटा देख लेते हैं, तो थीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा के प्लेस में आप देखोगे 2π√3 है, 2π क्या है √3, और √3 क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। जबकि हम लोग पढ़े थे कि रेशनल मल्टीपल ऑफ 2π होना चाहिए, तो ये आपका पास नहीं किया, फेल कर गया, यानी ये जो एलिमेंट है ये क्या है, ये आपका फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो थीटा है वो क्या है इरेशनल मल्टीपल ऑफ √3 है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल चेकआउट करना, सिर्फ दो ही क्राइटेरिया है, आर को 1 होना चाहिए और थीटा को रेशनल मल्टीपल ऑफ 2π होना चाहिए, जब ही वो फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा। एक और एग्जांपल देखो क्विकली, यहाँ पर जैसे जेड इक्वल टू दिया हुआ है 1 √3 iota/2, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एलिमेंट है, बोलता है इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ठीक है, ये फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हमको चेकआउट करना है, ठीक है। तो देखो ये ट्रू है, आंसर ट्रू आ रहा है, क्यों आ रहा है ट्रू, आप चेकआउट कर लो, आप पहले जेड का मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है, ठीक है, तो ये 1 आ गया, तो पहला तो पास कर गया कि आर 1 है, तो जेड आपका जो है ये यूनिट सर्कल में लाई कर रहा है, सो इट इज़ करेक्ट। अब ये देख लेते हैं कि इसका थीटा क्या है, तो टेन थीटा कैसे निकालते हैं आर्गूमेंट, तो बी बाई ए निकालते हैं, बी √3/2 है और ए आपका 1/2 है, तो यहाँ से √3 आ गया, तो थीटा आपका π/3 आ रहा है, π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो 1/6 × 2π यानी रेशनल मल्टीपल ऑफ 2π, रेशनल मल्टीपल ऑफ 2π, तो ये भी पास कर गया कि रेशनल मल्टीपल ऑफ 2π होना चाहिए, सो डेफिनेटली ये क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो काफ़ी आसानी के साथ में आप ये जज कर पाएंगे कि कौन फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, कौन नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे ओडीटी पर हम बात करेंगे सब ग्रुप के रिगार्डिंग, ठीक है, कि सब ग्रुप में जैसे अभी तो हम लोग एलिमेंट के बारे में देखें ना, अब हम देखते हैं सब ग्रुप के लिए, तो सो इट इज़ ODT, दैट मीन्स ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल फॉर सब ग्रुप ऑफ CSTAR, ठीक है, यानी कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो फाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप जो है वो कितना होगा, पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या फाइनाइट ऑर्डर का सब ग्रुप भी होगा। तो अब देखिए, सिंस देयर एग्जिस्ट फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट, देखिए चूँकि हम लोग ये देख रहे हैं ना कि हमको काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट मिल रहा है, और आपको पता है कि अगर एलिमेंट मिलता है, अगर किसी ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है तो वो क्या करता है, वो एक साइक्लिक सब ग्रुप को जेनरेट कर सकता है, ठीक है, जेनरेट्स साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। ये तो बात जो एकदम बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है, जो हम लोग ग्रुप में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एलिमेंट का मिलना इसका मतलब है कि वो जिस ऑर्डर का एलिमेंट है उस ऑर्डर का वो साइक्लिक सब ग्रुप तो जनरेट कर ही देगा। क्योंकि क्या होता है कि एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, इसका मतलब है कि वो उस ग्रुप का जनरेटर है, ठीक है। तो अगर आपको कोई एलिमेंट मिल रहा है कुछ ऑर्डर का, तो डेफिनेटली वो अपने खुद के ऑर्डर की साइक्लिक सब ग्रुप को जनरेट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर आपको क्या है फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट मिल रहा है, जैसा हम लोग ऊपर में देखे, और ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है ये क्या है, ये आपका काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल इनफाइनाइट था। तो अब जो भी काउंटेबल आपको एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है, फाइनाइट ऑर्डर का, वो क्या करेगा, वो एक सब ग्रुप को जनरेट करेगा, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, सो ईच ऑफ दिस एलिमेंट जनरेट्स ए साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। तो देखिए अगर आपको जेड मिलता है और मान लेते हैं कि उसका अगर फाइनाइट ऑर्डर एन है, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ जेड अगर एन है, तो इसका मतलब ये है कि जेड एन इक्वल टू 1 होगा यहाँ से, ठीक है, अच्छा जेड एन इक्वल टू 1 हो गया, एन आपका नेचुरल नंबर है, तो देयर एग्जिस्ट ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, तो ये जो जेड है ना ये एक साइक्लिक सब ग्रुप को जनरेट कर देगा, ठीक है, यानी ये जो साइक्लिक सब ग्रुप होगा वो कैसा होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जेड का पावर 1 से लेकर के जेड का पावर एन इक्वल टू 1 तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एन को 6 ले लें, तो जेड 6 इक्वल टू 1 क्या होगा, जेड 6 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका साइक्लिक सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसे निकालेंगे,
देखो जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, कि जैसे मान लो कि अगर हम जेड का वैल्यू 6 लिए हैं, जेड 6 इक्वल टू 1 लिए हैं, ठीक है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ e का पावर आयोटा 2 पाई r, ठीक है, ओके, जहाँ r आपका इंटीजर है, तो आपको पता है कि 2 पाई मल्टीपल e का पावर आयोटा 2 पाई मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से जो जेड का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ई आई 2 पाई r 1/6, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जहाँ r आपका क्या होगा, 1 से लेकर के 6 तक होगा, ठीक है, क्योंकि r आपका एक इंटीजर है। तो इस केस में जो साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, तो साइक्लिक सब ग्रुप आपका जनरेट हो जाएगा किससे, इसी से जनरेट होगा, ठीक है, जेड से। तो कैसे बनेगा, जेड का पावर 1 से लेकर जेड का पावर 6 इक्वल टू 1 तक बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सारी एंट्री रख दूँ तो जेड मेरा क्या है, इस तरह इस फॉर्म का है, तो रख दीजिए, ठीक है, तो जेड का पावर 1 क्या हो जाएगा जी, तो आर का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आएगा, ठीक है, आर का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आएगा, आर का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये, और आर का वैल्यू अगर हम लोग 5 रख देते हैं तो हमको ये मिलता है, ठीक है, क्लियर है। आर का वैल्यू फाइनली 6 रखेंगे तो आपको ये आ जाएगा, जो कि आइडेंटिटी हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमको एक सब ग्रुप मिल रहा है उसका एलिमेंट इस तरह का है। अब अगर इसको आप देखोगे कि किसका ऑर्डर कितना है, ठीक है, तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि जो आइडेंटिटी है वो क्या है, ई का पावर 2 पाई है ना, जो कि वैल्यू 1 होता है, ये हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आपको अगर ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो हर एलिमेंट का ऑर्डर। जैसे इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये बन जाएगा, तो डेफिनेटली नीचे में 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपको ऑर्डर कैसे निकालना होता है, ए का पावर एन इक्वल टू 1 आ जाए तो एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए होता है, यही होता है ना जी। तो हमको मतलब क्या पावर देना है, तो यहाँ पे अगर मैं 6 पावर लगा दूंगा तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा तो 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी नीचे वाला है उसी को आप देख कर सिंपली ऑर्डर लिख सकते हो, किसका 3 होगा, इसका आपका ऑर्डर 2 होगा, इसका नीचे में 3 है तो ऑर्डर आपका 3 होगा, इसका नीचे 6 है ऑर्डर 6 होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 6, और इसका ऑर्डर तो आपका 1 है क्योंकि आइडेंटिटी है, ठीक है। तो काफ़ी आसानी से ये जो 6 ऑर्डर का मेरे पास में साइक्लिक सब ग्रुप है, इसका मैं ODT लिख सकता हूँ। कैसे, तो देखिए यहाँ पे आप ODT लिखेंगे, तो चूँकि ये 6 ऑर्डर का है तो पॉसिबल डिवाइजर क्या हो गया, 1, 2, 3, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 1 को तो ऑलवेज 1 होता है, 2 ऑर्डर का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो 1, 3 ऑर्डर का यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 एलिमेंट है, और 6 ऑर्डर का अगेन आपको यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो टोटल अब आप देखोगे ना कि इसका जो ODT है वो एग्जैक्टली सेम आया है किसके, ODT ऑफ Z6 के, ठीक है। Z6 आप क्विकली देख भी सकते हो, Z6 क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली आप देखोगे तो जो ऑर्डर की बात करें तो 0 का ऑर्डर जो कि आइडेंटिटी है 1 होता है, 1 का ऑर्डर 6, ठीक है, 2 का ऑर्डर 3, 3 का ऑर्डर आपका 2 होता है, 4 का ऑर्डर 3, और 5 का ऑर्डर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो अगेन देखोगे आपके 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट है, 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट, 6 ऑर्डर का 2 एलिमेंट और 1 ऑर्डर का, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ODT आता है जैसा ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल Z6 का है, वही आपका H6 का भी आया। तो मैं कह सकता हूँ कि H6 क्या है, आइसोमॉर्फिक टू Z6 है, और होना भी चाहिए था क्योंकि ये साइक्लिक सब ग्रुप है, ठीक है, और कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है, ZN का आइसोमॉर्फिक होता है, क्लियर है जी। सो वी नो एवरी फाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z1, सो वी कैन से फॉर n इक्वल टू 1 वी हैव ए सब ग्रुप H1 आइसोमॉर्फिक टू Z1, फॉर n इक्वल टू 2 वी हैव ए सब ग्रुप H2 आइसोमॉर्फिक टू Z2, फॉर n इक्वल टू 3 वी हैव ए सब ग्रुप H3 आइसोमॉर्फिक टू Z3 एंड सो ऑन, ठीक है। सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्या है आपका, ये आपका काउंटेबली इनफाइनाइट है, देयर बी इनफाइनाइटली काउंटेबल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप। तो मैं कह सकता हूँ कि चूंकि n आपका नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे टोटली क्या होगा, आपको काउंटेबली इनफाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है जी। तो याद रखिएगा अभी तक जो मैंने हम लोगों ने पढ़ा कि C*, में ठीक है, C* अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो इसमें जो है जो एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स तीनों तरह के मिलेंगे, 1 ऑर्डर का भी मिलेगा, फाइनाइट ऑर्डर का भी मिलेगा और इनफाइनाइट ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है, बट मेनली इंपॉर्टेंट होता है फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट, ठीक है। तो जो इसमें फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट है वो क्या होगा आपका, वो आपका काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है जी। और ये सब ग्रुप जनरेट करेगा तो सब ग्रुप भी कितने होंगे, सब ग्रुप भी आपको इतने ही होंगे, यानी काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स। और ये क्या होंगे आपको, साइक्लिक सब ग्रुप होंगे सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट था उससे ये जनरेट हो रहा है, तो ये आपको क्या होगा, सारा साइक्लिक सब ग्रुप होगा। तो इतना ही था, बहुत देखो लेक्चर में तो बहुत कुछ रहता है लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं,
कि आपको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट मिलते हैं जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, और ये सारे साइक्लिक सब ग्रुप जो है जनरेट करेंगे, तो आपको काउंटेबली इनफाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप इसमें मिल जाता है, ठीक है जी। और उसके अलावा अगर आप ODT देखना चाहते हो तो इस तरह का आपको ODT मिलेगा, क्योंकि ये साइक्लिक सब ग्रुप देगा तो जो भी आपका ZN का ODT होता है वही फॉर दैट N आपको ODT मिल जाएगा। तो आगे बहुत कुछ और भी है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तो आपको कोई लेक्चर मिस नहीं करना है, ठीक है। एक एक चीज़ देखते जाओ, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।